अभी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस बात पर, इस बात को समझने के लिए कि अर्थशास्त्र में लागत की अवधारणा क्या है, लागत क्या है। इसके लिए हमें जानना होगा कि उत्पत्ति के साधन क्या है। उत्पत्ति के साधन पांच होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। ये पांच के संयोग से कोई भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। मार्शल कहते हैं कि कोई भी उत्पादक नए वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि वो उपलब्ध प्राकृतिक साधनों को अपने कला कौशल से उसको रूप को बदल देता है। जंगल के लकड़ी से कुर्सी बना देता है, पलंग बना देता है, अलमारी बना देता है, किवाड़ बना देता है। तो ये क्या हो गया, फॉर्म यूटिलिटी, रूपांतर करके उस वस्तु को उपयोगिता बढ़ा दिया। तो कहता है कि उत्पादन उपयोगिता के सृजन को कहते हैं, और उपभोग क्या है, तो उपयोगिता के नष्ट करने को उपभोग कहते हैं। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंजम्पशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। अर्थशास्त्र में उपभोग तथा उत्पादन दोनों महत्वपूर्ण है। उत्पादन हम करेंगे तभी उपभोग होगा, ये दोनों आर्थिक क्रियाओं में इसको हम लोग शामिल करते हैं। लागत क्या है, कहा कि कुल लागत का अर्थ होता है लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। ये चार तत्वों को अगर हम मिला दें तो कहा जाएगा कुल लागत। कुल लागत का मतलब क्या हो गया, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और साथ ही यह कहना है कि इसमें कुछ तत्व जो है वो स्थिर है और कुछ तत्व जो है वो परिवर्तनशील है। जैसे रेंट स्थिर है, इंटरेस्ट स्थिर है, लेकिन मजदूरी परिवर्तनशील है, लाभ परिवर्तनशील है। उत्पादन होगा तब तो मजदूरी देंगे, उत्पादन होगा बिक्री होगा तब लाभ मिलेगा। तो ये दोनों परिवर्तनशील है, लेकिन फिक्स्ड है रेंट और फिक्स्ड है इंटरेस्ट। तो इसका अर्थ हुआ कि उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ साधनों की कीमत को फिक्स्ड माना जाता है, इसे स्थिर साधन कहते हैं, जिसमें हम लगान लेते हैं, रेंट लेते हैं या ब्याज लेते हैं। उत्पादन हो या नहीं हो, बैंक को ब्याज देना है। मकान में आप, इमारत में अगर आप फैक्ट्री खोले हुए हैं तो इमारत का किराया आपको देना है, उत्पादन करें या ना करें। तो यह फिक्स्ड फैक्टर है। और दूसरा हुआ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर का मतलब हुआ कि उत्पादन बढ़ेगा तो ज़्यादा खर्च होगा, उत्पादन जो शून्य होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी शून्य होगा। तो इससे कुछ बात उभर कर सामने आया। नंबर वन, कि शून्य उत्पादन पर भी कुल स्थिर लागत शून्य से अधिक होगी। कुल स्थिर लागत सदैव शून्य से अधिक होती है। उत्पादन शून्य होगा तो भी कुल स्थिर लागत आपको देना है, लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत शून्य उत्पादन पर शून्य होगा। उत्पादन बढ़ेगा तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से कुल स्थिर लागत की रेखा हो जाएगी समानांतर, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कुल परिवर्तनशील लागत की रेखा हो जाएगी शून्य से आरंभ होकर नीचे से ऊपर की हो जाएगी। तो वो अपवर्ड स्लोपिंग हुआ। अब कुल स्थिर लागत क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो उस जोड़ने को कहते हैं लंबवत जोड़, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिकल समेशन, दो रेखाओं की ऊंचाई को जोड़ना। तो दोनों रेखाओं की ऊंचाई को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से हमें जो मिलेगा उसको हम कहेंगे कुल लागत रेखा, टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व क्या है, तो कुल स्थिर लागत जोड़ कुल परिवर्तनशील लागत, यह हो गया कुल लागत। कुल उत्पादन लागत क्या है, तो कुल स्थिर लागत की रेखा तथा कुल परिवर्तनशील लागत की रेखा, दोनों रेखाओं को जोड़ देंगे तो तीसरी रेखा मिलेगी,
उस रेखा का नाम हो जाएगा कुल लागत रेखा। अर्थशास्त्र में लागत की धारणा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि कुल लागत को अगर आप उत्पादन से भाग देंगे तो उसको कहा जाएगा औसत लागत। औसत लागत का मतलब होता है प्रति इकाई लागत। एक इकाई के लागत को ही औसत लागत कहा जाता है। तो अगर आप कुल लागत को उत्पादन से भाग देंगे तो उसे कहा जाएगा औसत लागत। अगर आप कुल स्थिर लागत को उत्पादन से भाग देंगे तो उसको कहा जाएगा औसत स्थिर लागत। अगर आप कुल परिवर्तनशील लागत को भाग देंगे उत्पादन से तो उसको कहा जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। तो तीन तरह का एवरेज हुआ। एवरेज इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। इसी तरीके से जैसे जैसे उत्पादन है, इसका रूल क्या है कि उत्पादन बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले घटेगा और बाद में बढ़ने लगेगा। जब दोनों रेखाओं को आप एक साथ जोड़ेंगे, जोड़ने का तरीका क्या होगा, वर्टिकल समेशन। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल समेशन। और जोड़ने पर एक तीसरी रेखा का जन्म होगा, वो यू आकार का होगा और उसको कहा जाएगा यू आकार की औसत रेखा। यू आकार का मतलब हुआ इस तरह को यू आकार कहते हैं। अगर ऐसे कर दीजिएगा इसको कहा जाएगा चौरी एवं चिपटी रेखा। चौरी एवं चिपटी रेखा जो है ये है, चौरी एवं चिपटी रेखा, ये हो गया यू आकार। तो अल्पकाल में यू आकार होता है औसत रेखा और दीर्घकाल में चौरी और चिपटी हो जाता है। तो कहता है कि अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट इज यू सेप्ड, किंतु दीर्घकाल में एवरेज कॉस्ट कर्व इज फ्लैटर एंड लेस प्रोनाउंस्ड। मतलब चौरी एवं चिपटी रेखा होती है दीर्घकाल में औसत रेखा। इस तरीके से हम पाते हैं कि एवरेज कॉस्ट को प्राप्त करने के लिए हमें पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्राप्त करना होगा और फिर उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त करना होगा। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस कर देंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो इक्वल हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब हो गया प्रति इकाई लागत। लागत की धारणा में हम आपको पहले कुल लागत बतलाए, कुल लागत की धारणा बतलाए, अब अभी आपको बतलाए हैं औसत लागत की धारणा। तीसरी धारणा ही उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। अर्थशास्त्र में सीमांत शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सीमांत का मतलब होता है अंतिम इकाई को जो लागत लगेगी उसी को सीमांत लागत कहेंगे। अगर 100 कलम बना रहे हैं तो 100वां कलम का जो लागत होगा वो कहलाएगा सीमांत लागत। अगर मान लीजिए आप 85 कलम बना रहे हैं तो 85वां कलम का जो लागत होगा सीमांत लागत। मान लीजिए आप 10वीं कलम बना रहे हैं तो 10वें कलम का जो लागत होगा वो सीमांत लागत। सीमांत लागत का अर्थ होता है अंतिम इकाई के लागत को सीमांत लागत कहते हैं। अंतिम इकाई के लागत को सीमांत लागत कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। इसका अर्थ हुआ कि मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कभी होता ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि कैलकुलस में कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड का डेरिवेटिव होगा जीरो, क्योंकि फिक्स का डेरिवेटिव सदैव शून्य होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा शून्य, मतलब मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट सदैव शून्य होता है। इसका अर्थ हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल
वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसको क्रॉस कर दीजिए, ये रहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार बड़ा ही पिक्यूलियर सिचुएशन नज़र आ रहा है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लिख लीजिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अंतिम इक्वेशन में होगा कि मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट सदैव जीरो होता है, तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। दीर्घकाल में केवल वेरिएबल कॉस्ट होता है, दीर्घकाल में स्थिर लागत नहीं होता है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी स्थिर चीज बदल जाते हैं। एवरेज कॉस्ट जो दीर्घकाल में होता है उसको कहा जाता है कि चौरी एवं चिपटी होती है। इसका कारण है कि समय बहुत अधिक रहता है तो हम प्लांट कर बदलते हैं। एवरेज कॉस्ट जब अल्पकाल में रहता है तो अल्पकाल के एवरेज कॉस्ट को कहा जाता है प्लांट कर, अल्पकाल के एवरेज कॉस्ट को कहा जाता है प्लांट कर। और प्लांट कर जो है वो अल्पकाल में स्थिर रहता है और दीर्घकाल में प्लांट कर में परिवर्तन किया जाता है। क्यों परिवर्तन करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अनुकूलतम प्लांट कर मिले, हमको ऐसा प्लांट कर मिले जिसमें हमको प्रति इकाई लागत कम से कम लगे। तो इसलिए दीर्घकाल में उत्पादक प्लांट कर को बदलता जाता है और अल्पकाल में उत्पादक एक ही प्लांट कर में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं से नीचे, नीचे से दाहिने ऊपर परिवर्तित होता रहता है। और शास्त्रियों का कहना है कि लागत के नियम के अनुसार उत्पादन में जब हम वृद्धि करते हैं तो तीन तरह के लागत नियम से फर्म को गुजरना पड़ता है। नंबर वन, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। नंबर टू, उत्पत्ति लागत समता नियम। नंबर थ्री, उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। तो इसमें पहला नंबर पर कर दीजिए उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, पहला नंबर कीजिए उत्पत्ति लागत ह्रास नियम, दूसरा नंबर उत्पत्ति लागत समता नियम, और तीसरा और अंतिम नियम है उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। पहला नियम क्या हो गया? उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। इसलिए उत्पत्ति लागत की एवरेज कॉस्ट की रेखा लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट की रेखा लीजिए, पहले ऊपर से नीचे गिरेगा। इसलिए लागत का पहला नियम क्या हो गया? उत्पत्ति लागत ह्रास नियम। क्यों ऐसा होता है? तो अर्थशास्त्र में तीन बातों का जिक्र है। कहता है कि जैसे ही हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो मित्र व्ययिताएं जन्म लेगी और कहीं अमित व्ययिताएं जन्म लेगी। मित्र व्ययिता क्या है? मित्र व्ययिता का अर्थ होता है कि प्रति इकाई लागत घट रहा हो, उत्पादन बढ़ रहा है, प्रति इकाई लागत घट रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए प्रति इकाई तकनीकी लागत घट रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे तकनीकी मित्र व्ययिता। प्रति व्यक्ति प्रबंधन लागत घट रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रबंधन मित्र व्ययिता। विपणन मार्केटिंग, प्रति इकाई विपणन लागत घट रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो इसको कहेंगे विपणन मित्र व्ययिता।
वित्तीय लागत प्रति इकाई वित्तीय लागत घट रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, इसको कहेंगे वित्तीय मित्र बेटा। श्रम लागत घट रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, इसको कहेंगे प्रति इकाई श्रम मित्र बेटा। परिवहन लागत घट रहा है जब उत्पादन बढ़ रहा है, इसको कहेंगे प्रति इकाई परिवहन मित्र बेटा। और ठीक इसका उल्टा होता है कि प्रति इकाई तकनीकी लागत बढ़ने लगा, तब इसको कहेंगे तकनीकी अमित व्ययताएं। प्रति इकाई प्रबंधन लागत बढ़ने लगा, तो प्रति इकाई प्रबंधन लागत बढ़ने लगा तो इसको कहेंगे प्रबंधन अमित व्ययताएं। प्रति इकाई विपणन लागत बढ़ने लगा तो इसको कहेंगे विपणन अमित व्ययताएं। तो कहता है कि एक साथ सब में मित बेता या सब में अमित बेता नहीं होता है, लेकिन औसतन हमें देखना होगा कि टोटल जो मित बेता हो रहा है और टोटल जो अमित बेताएं हो रहा है, इसमें कौन बड़ा है। तो अगर मित बेता बड़ा है अमित बेता से, तो प्रति इकाई लागत घटेगा जब उत्पादन बढ़ेगा। अगर मित बेता और अमित बेता दोनों एग्जैक्टली बराबर है, जो कि सैद्धांतिक रूप में हो सकता है, अगर ऐसा है तो प्रति इकाई लागत स्थिर रहेगा, उत्पादन बढ़ेगा लेकिन प्रति इकाई लागत स्थिर रहेगा। ये थोड़े ही समय के लिए होगा, लेकिन घटना घट सकती है। और तीसरी जो अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि उत्पत्ति के साधन सीमित है, तो जैसे ही हम बहुत ज्यादा साधन का उपयोग करने लगे हैं तो वित्त व्ययताएं से ज्यादा होने लगेगी और अमित व्ययताएं। लेकिन चूंकि वस्तु की मांग हो रही है, उत्पादक उत्पादन करेगा ही, बाजार में पूर्ति करेगा ही, तो मित व्ययताओं से अगर अधिक अमित व्ययता है तो उसको कहा जाएगा उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम। यही अंतिम नियम है और यही कारण है कि मार्जिनल कॉस्ट की रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, एवरेज कॉस्ट की रेखा नीचे से ऊपर की उठती है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है कि मार्जिनल कॉस्ट की रेखा यू आकार की होती है, इसी तीन नियम के कारण। पहले गिरती है, फिर स्थिर रहती है, फिर ऊपर की ओर बढ़ती है। औसत लागत रेखा भी यू आकार की होती है, पहले गिरती है, फिर न्यूनतम होती है, फिर उठती है। जब हम एक साथ औसत लागत की रेखा और सीमांत लागत की रेखा को खींचते हैं तो औसत रेखा यू आकार की होती है और सीमांत रेखा औसत रेखा को नीचे से काटती है, लोएस्ट पॉइंट से काटते हुए ऊपर की ओर जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोएस्ट उत्पादन पर मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो होगा वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। कहीं भी आपको कोई फर्म का आंकड़ा दिया हुआ हो कि फर्म का मिनिमम औसत लागत है 1200 रुपया प्रति इकाई, तो आप बताएं कि इसका मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, तो उत्तर होगा 1200 रुपये। कि जो मिनिमम कॉस्ट है वहीं से मार्जिनल कॉस्ट की रेखा काटते हुए ऊपर की ओर जाएगी, तो उस उत्पादन के स्तर पर एसी और एमसी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का सवाल रहता है कि आपको जो है मार्जिनल कॉस्ट का कहीं कोई आंकड़ा नहीं दिया है, एवरेज कॉस्ट का दिए हुआ है, अगर इसमें से बताइए कि मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा जब उत्पादन न्यूनतम है, तो उत्तर होगा एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि न्यूनतम एवरेज कॉस्ट जहां है वहां मार्जिनल कॉस्ट उसके बराबर होता है। दीर्घ काल में प्लांट कर्व को हम बदलते हैं, इसलिए हमको समय मिल जाता है कि जब तक हम प्लांट कर्व बदलते जाते हैं प्रति इकाई लागत तुलनात्मक रूप में हमारा घटता चला जाता है। लेकिन एक सीमा है, अगर हम सीमा को पार कर जाते हैं तो हमारा उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है और लागत न्यूनतम पर पहुंच जाता है। न्यूनतम पर पहुंचने के बाद इकोनॉमिक डिस इकोनॉमिक दोनों बराबर होगा। इसके बाद भी अगर हम उत्पादन बढ़ाते हैं क्योंकि बाजार में मांग है, तो प्लांट कर्व जो है फिर बदलेगा। पहले प्लांट कर्व का बायां हिस्सा सटता था, अब प्लांट कर्व का पेंदी सटेगा नीचे और अंत में प्लांट कर्व का दाहिना हिस्सा सटेगा दीर्घ काल में। दीर्घ काल की जो औसत रेखा है उसको कहा जाता है इनवेलप कर्व,
लिफाफा वक्त दीर्घकाल के औसत राकर रेखा को कहा जाता है लैडर कर्व, सीढ़ी वक्र, क्योंकि इसमें जितना भी शॉर्ट रन अल्पकाल का और एवरेज कॉस्ट की रेखा है वो सब को स्पर्श करते हुए दीर्घकाल की औसत रेखा ऊपर से नीचे आएगी और फिर नीचे से ऊपर जाएगी और एक चौड़ी और चिपटी रेखा का जन्म होता है, चौड़ी एवं चिपटी रेखा का जन्म होता है। इसलिए बराबर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, कमीशन में, नेट में आता है कि एवरेज कॉस्ट की रेखा और मार्जिनल कॉस्ट की रेखा के बीच क्या संबंध है। इसका उत्तर क्या होगा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में गहरा संबंध है। जब मार्जिनल कॉस्ट घटती है तो एवरेज कॉस्ट उससे कम दर से घटती है, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट उससे कम दर से बढ़ती है, जब एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी उसी के बराबर होगा। तो इसलिए एवरेज कॉस्ट की रेखा यू आकार की होती है और उसको ठीक नीचे से काटती है मार्जिनल कॉस्ट की रेखा, उसको ठीक नीचे से क्या कौन काटती है, मार्जिनल कॉस्ट की। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रेखा यू आकार की होती है, लेकिन दीर्घकाल में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की रेखा दीर्घकाल में चौड़ी एवं चिपटी होती है। अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट की रेखा को न्यूनतम बिंदु से नीचे से मार्जिनल कॉस्ट की रेखा काटती है, दीर्घकाल में भी चौड़ी चिपटी रेखा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की, उसको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की रेखा नीचे से न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ये पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में भी लागू होता है, यह एकाधिकार के बाजार में लागू होता है, यह अल्पाधिकार के बाजार में लागू होता है, यह द्वैधाधिकार के बाजार में लागू होता है, यह अर्थशास्त्र का एक शाश्वत नियम बन गया। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री लोग जो है वो इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि हमने रिसर्च किया है और कहीं नहीं पाया है कि मार्जिनल कॉस्ट यू आकार की होती है, एवरेज कॉस्ट यू आकार की होती है। मिस्टर हॉल एंड मिस्टर हिच ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने रिसर्च करके देखा कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अंग्रेजी के यू लेटर के समान नहीं होती है, बल्कि उर्दू के सीन के तरह होती है। उर्दू में जिस तरह सीन दिखा जाता है कि पहले गिरेगा और फिर ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा इस तरीके से फिर स्थिर रहेगा, उर्दू के सीन लेटर के समान मार्जिनल कॉस्ट की रेखा होती है। एवरेज कॉस्ट की रेखा हॉल एंड हिच कहते हैं कि कहीं भी यू आकार की नहीं हुई, तो कैसा हुआ से तो भी आकार, या तो ह्रासमान है नहीं तो वृद्धिमान है, कहीं लोएस्ट पॉइंट जो है कहीं नजर नहीं आता है व्यवहार में जो रिसर्च करके देखा। तो ये आलोचना की विषय है, लेकिन सैद्धांतिक रूप में यू आकार की एवरेज कॉस्ट की रेखा, यू आकार की मार्जिनल कॉस्ट की रेखा आज भी हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।